बिहार के आरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां लग्जरी कार में सवार होकर आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे दो सहोदर भाइयों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने इटली मेड एक विदेशी पिस्टल, एक मैगजीन, 10 की संख्या में गोली और 2 मोबाइल फोन के अलावे एक लग्जरी कार MEO बरामद किया है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी गुरुवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के गांगी स्थित गौसगंज चौराहा के पास से किया है, जिसका खुलासा आरा सदर ASP परिचय कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान उदवंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज निवासी हनुमान पासवान के पुत्र रंजीत पासवान और सरोज कुमार के रूप में की गई है, जो आपस में सहोदर भाई बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए ASP परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस को गुरुवार की रात्रि गुप्त सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र के गांगे स्थित गौसगंज चौराहा के पास एक ग्रे कलर की लग्जरी कार खड़ी है, जिसमें बैठे करीब 3 लोग हथियार लिए हुए हैं और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मिली, हमारे द्वारा नगर थाना प्रभारी देवराज राय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अवैध हथियार की बरामदगी और अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नगर थाना अध्यक्ष की टीम जैसे ही कार्रवाई के लिए गौसगंज स्थित चौराहा के पास पहुंची तो पुलिस को आते देख कार सवार एक युवक उतरकर भाग गया, जबकि कार में बैठे अन्य 2 लोग भी भागने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया। जब पकड़े गए बदमाशों की पुलिस ने तलाश ली तो उनके पास से एक लोडेड पिस्तौल जिस पर मेड इन इटली लिखा है और एक लोडेड मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन को बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने उस लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है जिसमें ये सभी लोग बैठे हुए थे। पुलिस ने हथियार के साथ पकड़े गए दोनों बदमाशों से जब पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि वो आपस में दोनों भाई हैं और अवैध हथियार को लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि किस आपराधिक घटना को अंजाम देने का उनका मंसूबा था। पुलिस उस तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है, जो पुलिस को आते देख कार से उतरकर भाग निकला। क्या उपलब्धि मिली है पुलिस जी? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाई गई है। कल यानी कि दिनांक 8 अगस्त को रात के करीब 10 बजे एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर श्री देवराज राय के नेतृत्व में नगर थाना की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर गौसगंज पे छापेमारी की गई और वहां से एक कार में 2 अपराधकर्मियों को एक अवैध पिस्टल के साथ साथ 2 लोडेड मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। सूचना रात के करीब 10 बजे के आसपास ये मिली कि गौसगंज स्थित चौराहा के पास एक ग्रे कलर के MEO कार में 3 अपराधकर्मी अवैध अग्नियास के साथ है। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना की टीम वहां से रवाना हुई। वहां पर पुलिस की टीम को देखकर एक अपराधकर्मी कार से निकलकर भागने में सफल रहा, बाकी 2 अपराधकर्मियों को घेराबंदी करके रोका गया और विधिपूर्वक उनकी तलाशी ली गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि तलाशी में उनके पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुआ है, उस पिस्टल पे मेड इन इटली लिखा हुआ है, उसके साथ साथ 2 लोडेड मैगजीन मिले हैं, 10 जिंदा कारतूस है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। वो जिस कार में थे उस पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा हुआ है। इस संदर्भ में नगर ये थाना कांड संख्या 496/24 दर्ज किया गया है और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। क्या लग रहा था सर कि किस लिए मैंने ये लोग हथियार के साथ थे, कोई बड़ी घटना को अंजाम? यह प्रबल आशंका है कि ये लोग किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, परंतु पुलिस की कार्रवाई के कारण वो असफल रहे। इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या घटना। इन्होंने एग्जैक्ट स्वीकारा नहीं कि कौन सी घटना करने की फिराक में थे, बट ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अप्रिय घटना करने की फिराक में थे। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक का नाम है रंजीत पासवान और दूसरे का नाम है सरोज कुमार। ये दोनों ही भाई हैं, इनके पिताजी का नाम है हनुमान पासवान और ये गजराजगंज के रहने वाले हैं। कोई आपराधिक इतिहास इनका पहले से? ये कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, आपराधिक इतिहास के बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन। जो बरामद पिस्टल है वो विदेशी पिस्टल है, ये सत्यापित करना होगा, बट उस पिस्टल के ऊपर मेड इन इटली लिखा हुआ है तो यह पॉसिबल है कि ये शायद विदेशी पिस्टल हो, परंतु इसका अभी
सकते, अभी अब इस बात को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, आलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।